रख लीजिए, पहन लीजिए उतार करके। नहीं नहीं ठीक है ठीक है। हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सरकारी एग्जाम डॉट कॉम में। और दोस्तों मैं रचित एक बार फिर आ गया हूँ आपके 4 अक्टूबर 2018 के सेकंड शिफ्ट के पेपर का एनालिसिस लेकर, रिव्यू लेकर, कैंडिडेट का इंटरव्यू लेकर। एग्जाम सेंटर के बाहर हैं अभी हम, 2 बजे वाली अभी यहाँ पे पेपर ओवर हुए हैं सेकंड शिफ्ट के, और हमारे संग कुछ कैंडिडेट जुड़े हैं जो अभी सेकंड शिफ्ट का एग्जाम दे करके आए हैं। तो अभी हम उनके संग लाइव इंटरव्यू शेयर करेंगे और पूछेंगे किस तरीके के क्वेश्चन आज उनके एग्जाम में पूछे गए, किस तरीके के सवाल पूछे गए और कैसा पेपर आया था। पेपर इजी था, हार्ड था, मॉडरेट था, कैसा क्वेश्चन आया था, इसकी पूरी जानकारी अभी हम लेंगे कैंडिडेट से। तो देखिए यहाँ पे हमारे संग कैंडिडेट जुड़े हैं, कहाँ से आ रहे भाई साहब? फतुहा। फतुहा से आ रहे हैं, मतलब बिहार से? बिहार। तो कैसा हुआ पेपर आपका? पेपर अच्छा था। पेपर अच्छा था। तो कुछ क्वेश्चन जो आप अपने फ्रेंड्स को बता सके जो आपको याद हो, रीजनिंग, जनरल साइंस, मैथ और रीजनिंग मैथ, करंट अफेयर के टॉपिक से जो क्वेश्चन आपको याद हो। करंट अफेयर अच्छी नहीं थी, मतलब वो कैसा था? वो हार्ड था, करंट अफेयर हार्ड था। क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया करंट अफेयर में? वो याद नहीं। फिर भी अंदाजा कुछ क्वेश्चन जो एक आध क्वेश्चन दिमाग में आ रहा हो? नहीं वो भी नहीं था। कोई और क्वेश्चन जनरल साइंस का टॉपिक कुछ याद आ रहा है आपको? जनरल साइंस का भी कोई टॉपिक याद नहीं है। किसी और को याद है यहाँ पे जो हमारे सिंगल पेपर हो गया अभी आपका? हाँ बताइए। ओ मतलब खंडवा का युद्ध कब हुआ था? खंडवा का युद्ध कब हुआ था? अच्छा पेपर हो गया आपका जी। क्या नाम है आपका? सुमित कुमार। सुमित कुमार कहाँ से आ रहे हैं? बिहार से। बिहार से आ रहे हैं। पेपर कैसा हुआ आपका? पेपर अच्छा हुआ। कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया? 65 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। तो पेपर कैसा गया आपका? पेपर अच्छा गया। पेपर अच्छा गया। कोई क्वेश्चन जो आपको याद हो करंट अफेयर, जनरल साइंस, मैथ वगैरह के सेक्शन से? महाराष्ट्र के लेवल से पूछा गया था। महाराष्ट्र के लेवल से पूछा गया था, महाराष्ट्र राज्य के तहत। अच्छा जनरल साइंस का कुछ टॉपिक जो आपको याद हो क्वेश्चन कोई? जनरल सामने देख के बताइएगा हमारे फ्रेंड्स को। जनरल साइंस का कोई क्वेश्चन, साइंस में विज्ञान में जो क्वेश्चन पूछा गया अभी आपसे, केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स? कोलाम का आते, कोलाम किसकी सही इकाई है? अच्छा कोलाम किसकी सही इकाई है। और कोई क्वेश्चन जो याद आ रहा हो? मैथ का कोई टॉपिक किससे क्वेश्चन ज्यादा आए थे? संवेग बराबर क्या होता है? जी थोड़ा तेज बोलिएगा। संवेग बराबर क्या होता है? अच्छा और कोई क्वेश्चन टॉपिक आया था? और समय कार्य नल हाउस से। पेपर आपका पेपर हो गया भैया? हाँ जी भैया। कहाँ से आ रहे हैं? एवरेज से। कहाँ से? मुकामा से आ रहा हूँ। मुकामा से आ रहे हैं, मुकामा बिहार से? हाँ बिहार। कैसा पेपर हुआ आपका? सही है। सही गया। क्या नाम है आपका? सौरभ शुक्ला। सामने देख के बताइएगा कोई क्वेश्चन जो आपको याद हो आपके एग्जाम में पूछा गया। PSL का फुल फॉर्म आया था। किसका? PSL का। PSL का फुल फॉर्म आया था। और करंट अफेयर में बता रहे हैं आप? करंट अफेयर में मतलब कि 2-3 क्वेश्चन आया था, बहुत ही हार्ड था। बहुत ही हार्ड क्वेश्चन था। तो ओवरऑल पेपर का कैसा था भैया? सामने आइएगा, आइए, कैसा था पेपर ओवरऑल मिलाया जाए तो बताया जाए तो? सही है। पेपर सही है? हाँ ठीक है। कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने? मैंने भी वही 60-75। अच्छा एक मिनट का वेट करिएगा, आप लोगों के पास मेरे लिए कुछ है। नहीं छूटेगा कुछ भी, पकड़िए। आगे आइएगा सब लोग, सब लोग इधर आइएगा एक साथ। अभी अभी एक ग्रुप फोटो खींचेंगे, सब लोग आगे आइए, ग्रुप फोटो खींचेंगे। रुक जाइए, सामने आइए, आगे आइए, सब लोग इधर आइए। आपको मिली कॉपी? इधर आइए, कॉपी निकालिए लीजिए। कहाँ गए? किसी के पास क्या है? आइए, कॉपी है वो के लिए। तो फ्रेंड्स देखिए अभी यहाँ पे अभी मॉर्निंग में सरकारी एग्जाम रखा हूँ, आप लोगों से अपडेट सकते हैं, ठीक है? अपडेट। तो फ्रेंड्स देखिए अभी यहाँ पे सरकारी एग्जाम टीम की तरफ से यहाँ पे सभी को दिया गया है कॉपी। और एक बात आप सभी को बता दें, एकदम ध्यान से समझ लीजिए, अभी जो आप लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन बताया हमें कैंडिडेट रिव्यू में, इस इंटरव्यू में जो क्वेश्चन बताए वो क्वेश्चन का PDF आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में सरकारी एग्जाम वेबसाइट पर अवेलेबल हो चुका है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। और कितने लोग यहाँ पे हमारे संग LP वाले जुड़े हैं ये बताएं, जिन्होंने LP का भी एग्जाम दिया था, LP का एग्जाम भी दिए हैं। तो LP के एग्जाम के लिए अभी आपका जो मॉडिफिकेशन लिंक अभी आया हुआ है ये आपकी परसों ओवर हो रही है, इसके बाद 10 से 12 दिन में 15 दिन के अंदर आपका रिजल्ट भी CBT 1 का बहुत ही जल्द आने वाला है, जैसा कि हमारी RRB बोर्ड मॉडिफिकेशन हो गया। तो रिजल्ट के लिए तैयार रहिए, सरकारी एग्जाम से अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाएगी, ठीक है? sarkarexam.com। और इसके बाद और इसी के साथ ही बता दें, रेलवे ग्रुप डी वाले जिनका एग्जाम सेंटर और एग्जाम डेट अभी तक नहीं आया, उनकी एग्जाम डेट और एग्जाम सेंटर की अपडेट कल यानी कि 5 अक्टूबर 2018 को आ रही, जो कि RRB की नई सूचना आई थी। तो फ्रेंड्स अभी यहाँ पे हमारे फ्रेंड जो जुड़े हैं सभी लोग एक अभी यहाँ पे लाइन पूरी करेंगे, सभी लोग लाइन पूरी करिएगा।
सरकारीexam.com सरकारीexam.com थोड़ा और तेज सरकारीexam.com सरकारीexam.com सरकारीexam.com। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। देख रहे हैं यहाँ पे सभी लोग जुड़े हुए हैं। यहाँ पे अभी हम लोगों ने यहाँ पे कॉपियां बांटी हैं सभी को, और यहाँ से अभी और भी टी शर्ट डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा। टी शर्ट किसको मिली थी एक बार फ्रंट पे करिएगा। टी शर्ट वाले कहाँ गए? टी शर्ट वाले बंदे चले गए, चले कोई बात नहीं। अभी यहाँ पे और भी टी शर्ट बांटेंगे हम। देख रहे हैं हमारे पास यहाँ पे टी शर्ट भी है, सभी को टी शर्ट मिलेंगी। लेकिन इसके लिए क्या करना होगा, जो लोग देख रहे हैं उन्हें भी बता रहा हूँ, हमारे संग जुड़े रहना होगा। अगला ऑफर भी आपको दूंगा कि किस तरीके से टी शर्ट आपको मिलेगी। जुड़े रहिए, आपको इन्फॉर्म जरूर करूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स, इस तरह फिर लगातार जुड़ते रहेंगे और आपको अपडेट सबसे पहले देते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। मैं रचित आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ यहाँ पे हमारे संग जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।